ये बड़ी दुकान है। ये आके लोग पूछते हैं हमसे अक्सर। बाग तो गाइस ये खजूरों का बाग है और इसका नाम एग्जैक्टली मुझे उन्होंने नहीं बताया, तो जो बस पे जाऊंगा तो मैं पूछूंगा। और तो धूप वो गाइस बस खड़ी है हमारी सामने और 10 मिनट का उन्होंने टाइम दिया, वो हर जगह पे टाइम दे रहे हैं। तो सुकून है यहाँ पे और एग्जैक्ट नाम, हाँ तो गाइस हज़रत उस्मान का बाग है ये और मैंने पता किया है और खजूर वगैरह और मदीना पाक में आपको पता ही है कि अजवा खजूर और फैमिली तो है वो उस साइड पे है। और मैंने कहा आप लोगों को बाग दिखा दूँ। खजूरों का बाग सऊदी अरब में मदीना पाक हज़रत उस्मान, बिल्कुल जो है वो सुबह के 9 बज रहे हैं और ये 24th व्हील हो गया सऊदी अरब का और हर चीज़ इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ दिखा रहा हूँ। और तो गाइस अगर बात की जाए तो धूप यहाँ से डायरेक्ट पड़ रही है और ये हज़रत उस्मान और खजूरों का बाग, धूप काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, थोड़ा शेडो में आ जाऊँ। तो ये पेशावर से कुछ लोग हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं, पाकिस्तान के ही हैं। हाय बोल दें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूट्यूब फैमिली हाँ ना, ये सही है ना, पेशावर पेशावर जिंदाबाद पाकिस्तान, पेशावर भी पाकिस्तान जी। हाँ वही, आप किस जगह को? मैं लाहौर। लाहौर, लाहौर नहीं, इसका तस्वीर खींच, इसको लाहौर में देखें। तो गाइस ये बाग है और तो गाइस ये मैं हूँ, ये बाग है। सुनसान सा बाग है यहाँ पे, धूप थी वो वहाँ पे, पिशावरी लोग हैं जो कि जा रहे हैं और आई थिंक बस का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। तो गाइस मैंने कहा बैठ के बना लूँ थोड़ा सा और बात भी है, मैं इस जगह पे अकेला ही आया हूँ और बकाया सारे पिशावरी लोग जो है वो पीछे ही रह गए हैं, तो चलते हैं उनके पास। और मुझे नहीं पता था इस तरह की प्लेस होगी और वरना मैं कोई और सूटी पहन लेता, लेकिन ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन मैचिंग नहीं हो रही अगर बात की है ब्लू और ये इनके साथ, अगर ब्लैक होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन एनी वे इट्स लुकिंग गुड एज वेल। कहाँ से खजूरें मिल रही हैं? से हाय, खजूरें मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये भी पेशावर से हैं और ये मेरे साथ ही हैं बस में और आउटस्टैंडिंग है खान बाबा के नाम से। ओके ओके, किस जगह पे? ये चिंकारा चौक के साथ। अच्छा अच्छा, यहाँ से खजूरें मिल रही है जी और खजूरों का बाग आपने देखा ही और यहाँ से खजूरें ले रहे हैं लोग और अब मैं बस में बैठने लगा हूँ।